नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती आजाद और आप देख रहे हैं खबर तहलका। पहलवान योगेश्वर दत्त ने भाजपा में आते साथ ही सोनीपत लोकसभा के दो हलकों से भाजपा की टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे कई नेताओं के लिए टेंशन बढ़ा दी है। यहां टिकट के दावेदारों का गणित बिगड़ता दिख रहा है। योगेश्वर दत्त का डीएसपी के पद से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें भाजपा में शामिल किए जाना, इससे तो ये तय है कि उनको गोहाना व बड़ौदा में से किसी एक सीट से चुनाव जरूर लड़ाया जाएगा, जिससे गोहाना व बड़ौदा से चुनाव के लिए लाइन में लगने वाले नेताओं की परेशानी बढ़ गई है। तो टिकट के लिए तय किए गए जातिगत संतुलन से अन्य सीटों पर भी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि योगेश्वर के आने के बाद भाजपा से दो प्रत्याशी साफ हो गए हैं और अब केवल चार सीटों पर प्रत्याशियों के नाम साफ होने बाकी है। भाजपा की सोनीपत सीट से मंत्री कविता जैन व उनके पति राजीव जैन में से किसी एक को टिकट मिलना तय है और ये फैसला हाईकमान को लेना है कि वो इनमें से किसे चुनाव मैदान में उतारेगी। जम्मू से दिल्ली सेब के ट्रक में सवार होकर जा रहे संदिग्ध आतंकी मोहम्मद इस्माइल को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के पास नाका लगाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा एजेंसियों की सूचना पर अंबाला पुलिस अलर्ट हो गई थी। संदिग्ध आतंकी से अभी पूछताछ शुरू की ही थी कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की पुलिस भी अंबाला पहुंच गई। इसके बाद आरोपित को ट्रक समेत लेकर चली गई। संदिग्ध आतंकी जैश ए मोहम्मद का सदस्य बताया जा रहा है। जम्मू पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। बता दें कि जम्मू पुलिस को जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी की तलाश थी। इसके बाद जम्मू पुलिस ने पंजाब पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था, लेकिन संदिग्ध आतंकी जम्मू और पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर हरियाणा में प्रवेश कर गया था। हाईकमान के एक फैसले ने हरियाणा के कांग्रेस के दिग्गजों की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस हाईकमान ने निर्णय लिया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को चुनावी रण में उतारा जाएगा। हाईकमान अपने इस फैसले को लागू करने में सफल रहा तो कई धुरंधरों के टिकट पर कैची चल सकती है। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले की जद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुलदीप विश्नोई और रणजीत सिंह का परिवार आ सकता है। इन दिग्गजों के परिवार में टिकट के कई दावेदार हैं। हाईकमान मौजूदा सभी 17 विधायकों को चुनावी रण में उतारने का फैसला पहले ही ले चुका है। यदि कांग्रेस में ये सिद्धांत लागू हुआ तो इसके पहले शिकार होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बार उनके पूर्व सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह की भी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। ऐसे में अब पिता पुत्रों के लिए धर्म संकट की स्थिति बन गई है। किरण चौधरी के परिवार में टिकट के 3 दावेदार हैं, वहीं कुलदीप विश्नोई के परिवार में भी टिकट के 4 दावेदार हैं। और कांग्रेस नेता रणजीत और डॉक्टर केवी सिंह एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दोनों में से कोई भी चुनावी रण से हटने को तैयार नहीं होगा। ऐसे में इन दिग्गजों के सामने हाईकमान के फैसले पर खरा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत आज अपनी बेटी के लिए टिकट के लिए जितना जोर लगा रहे हैं, क्या कभी दक्षिणी हरियाणा के उत्थान के लिए या किसी विकास कार्य के लिए राव ने इतना जोर लगाया है? यदि मनेठी एम्स के लिए राव इंद्रजीत सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश करते तो जनता मानती कि राव इंद्रजीत सिंह जनता के कितने हितैषी है, लेकिन मनेठी एम्स के लिए राव इंद्रजीत सिंह को कभी इतनी चिंता नहीं हुई। इन बातों से साफ पता चलता है कि राव इंद्रजीत सिंह स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची नहीं निकाली है, उससे पहले ही भाजपा में बगावती तेवर साफ दिखाई देने लगे हैं। एक विधानसभा में 10-10 उम्मीदवार विधायक बने बैठे हैं और जब टिकट वितरण शुरू होगा तो भाजपा में भगदड़ शुरू हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए खबर तहलका। हमारे चैनल को YouTube और Facebook पर लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।